नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उससे संबंधित कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज से पहले भी आपने हमारे YouTube चैनल पर बौद्ध धर्म से संबंधित कई वीडियो देखे हैं, उसी क्रम में यह वीडियो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बौद्ध संगीतियाँ क्या थी, ये कितनी हुई और इन संगीतियों के अध्यक्ष कौन थे तथा ये संगीतियाँ किस शासक के काल में संपन्न हुई थी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बौद्ध संगीति के बारे में, यानी कि बौद्ध संगीति होती क्या है। ठीक है, तो बौद्ध संगीति, जब महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था उसके कुछ समय बाद से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठ या वाचन करने आदि के उपदेश से संगीति या सम्मेलन की प्रथा चल पड़ी थी। ठीक है ना, मतलब कि जो महात्मा बुद्ध को जो परिनिर्वाण प्राप्त हो गया था उसके बाद लोगों को ये लगा कि भाई उनके उपदेशों को हमें संजो के रखना चाहिए और आगे से आगे पीढ़ी को भी पहुंचाना चाहिए। इस वजह से लोगों ने क्या करा कि भाई एक जगह इकट्ठा होके और वो उनके उपदेशों को पढ़ा करते थे, सुना करते थे। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि उनके उपदेशों को सुनने की एक प्रथा सी चल पड़ी थी। ठीक है, अब इन उपदेशों को वो कहाँ सुनेंगे, इसके लिए वो क्या करते थे, कोई सम्मेलन करते थे। ठीक है, कोई बैठक करते थे, और ये बैठक कहाँ पर होती थी, किसी शासक के दरबार में होती थी। उस टाइम पे जो प्रसिद्ध जो शासक होता था वो ये समितियां या ये सम्मेलन करवाता था। इन्हें इतिहास में क्या कहा जाता है, धम्म संगीति। ठीक है, और संगीति का अर्थ क्या होता है, साथ साथ गाना, अर्थात महात्मा बुद्ध के उपदेशों को एक साथ साथ बोला गया, पढ़ा गया और उनको कई लोगों के द्वारा सुना भी गया था। इस प्रकार से जो सम्मेलन है और जो संगीत है वो आयोजित की जाती थी। तो देखिए, मतलब जो बौद्ध संगीतियां हैं वो चार हुई हैं। अब अपन यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन कौन सी बौद्ध संगीतियां हुई हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में। तो सबसे पहले जो बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, इसका स्थान, इसका समय, इसके अध्यक्ष, इसका शासनकाल और ये मतलब इसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष बता दीजिए, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई प्रथम बौद्ध संगीति का समय बताओ, तो कुछ भी मतलब पूछ सकते हैं। ये जो चार बौद्ध संगीतियां हुई हैं इनसे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है परीक्षा में, तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में। देखिए, जो प्रथम बौद्ध संगीति है इसका स्थान था राजगृह, ये राजगृह में हुई थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का समय क्या था, 483 ईसा पूर्व है। ओके, और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। और प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, उस समय उस टाइम पे मतलब शासक कौन थे, वो थे अजातशत्रु। अब जो ये अजातशत्रु हैं ये हर्यक वंश के राजा थे। ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई ये अजातशत्रु है ये किस वंश से संबंधित शासक था, ये थे हर्यक वंश के शासक। ठीक है, अब देखिए प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था, तो बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों, विनय पिटक और सुत पिटक में संकलित किया गया। ठीक है, तीन पिटक हुए हैं तो दो पिटक देखो यही जुड़ गए थे प्रथम बौद्ध संगीति में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विनय पिटक तथा सुत पिटक क्या था, ये कौन से धर्म से संबंधित है और ये कौन सी बौद्ध संगीति में जोड़े गए थे दो, और या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य बताओ। ठीक है, इसको यहाँ अच्छे से देखना है। अब देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी और इसका समय था 383 ईसा पूर्व है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, साबक मीर। और जो ये साबक मीर हैं ये सर्रा कामिनी के नाम से भी जाने जाते थे। अब ये किसके शासनकाल में हुई थी, उस समय पे राजा कौन थे, कालासो। और ये जो आपके कालासो हैं ये शिशु नागवंश से संबंधित शासक थे। इनके शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, अब देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था, तो मतलब उस समय क्या हो रहा था,
कि भाई बौद्ध धर्म को लेकर अनुशासन, मतलब उस समय क्या था कि भाई महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, अब क्या है कि लोग बाग हैं वो देख रहे थे कि भाई कोई बोल रहा था कि बौद्ध धर्म में ऐसा होना चाहिए, ये नहीं, ये नियम नहीं मानेंगे हम, दूसरे नियम मानेंगे, तो मतलब अनुशासन भंग सा हो रहा था उस समय पे। तो क्या हो रहा था कि भाई अब अनुशासन को लेकर जो मतभेद हो रहे थे उनके समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासांघिक, है ना, यहाँ पर क्या है, स्थापित और महासांघिक दो भागों में बंट गया था। और ये कौन सी बौद्ध संगीति के तहत हो रहा था, द्वितीय बौद्ध संगीति के तहत, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे तृतीय बौद्ध संगीति। तो तृतीय बौद्ध संगीति है ये कहां पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। इसका समय क्या था, 251 ईसा पूर्व है, और अध्यक्ष कौन थे, मोगलिपुत्र तीस, ठीक है। अब देखिए किसके शासनकाल में हुई थी ये, अशोक के काल में। तो मौर्य शासक थे अशोक, जो प्रसिद्ध शासक हुए, महान शासक हुए, ठीक है। अब देखिए तृतीय बौद्ध संगीति है, इसका उद्देश्य क्या था, संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया, ठीक है। और धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया, तथा अब देखिए यहाँ पे आपका तीसरा पिटक जुड़ रहा है, अभिधम पिटक, ठीक है ना। अब आती है आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति है ये कहाँ पर हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में, तथा इसका समय क्या था, प्रथम शताब्दी ईस्वी, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। देखिए इसके उपाध्यक्ष भी थे, वो कौन थे, अश्वघोष। तथा ये किसके शासनकाल में हुई थी, कौन उस समय कौन शासक कौन थे, कनिष्क। और ये किससे संबंधित थे, ये कुषाण वंश से संबंधित थे। तथा चतुर्थ बौद्ध संगीति है, इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों हुई थी। तो बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय, हीनयान तथा महायान में विभाजन। तो ये इम्पोर्टेंट बन रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन बन रहा है कि भाई जो हीनयान और महायान शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की, वो कब बनी, वो बनी आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति के तहत। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ा। इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहें हमारे साथ YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज में।